बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है या नहीं है तब तय करूंगा। आशीष, ठीक बात तो ठीक है। एक बार ओपनिंग के बाद कहां सेटल हो रहा है मार्केट इस गैप अप के बाद, उसको बहुत क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। फिर कंटिन्यूस सेशन में फिर से रिविजिट करेंगे वीरू से वो स्ट्रेटजी कैसे अप्रोच करना है फिर मार्केट्स को। ये रहा भाई इस बढ़िया गैप अप के बाद की रणनीति या कौन से लेवल्स को करना है क्लोजली वॉच आउट। एक अच्छे सेशन की एटलीस्ट शुरुआती टिक्स तो दे रहा है, तैयारी हो रही है कि बढ़िया एक सेशन होगा पेनल्टीमेट सेशन या D-1। दिखाइए सारे एक्सपर्ट्स को जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप सबको गुड मॉर्निंग। और असित, आप कैसी तैयारी कर रहे हैं एक्सपायरी की, आप कैसी तैयारी कर रहे हैं इस पुल बैक की, निफ्टी निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति है? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरेन जी, मॉर्निंग टू एवरीवन पैनल। आशीष जी, जिस हिसाब से वीरेन जी ने एक्सप्लेन किया, निफ्टी इज क्वाइट स्ट्रांग, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि जो बेस है जो 17,000 का पहले का था वो 17,200 में शिफ्ट हो रहा है। अगर हम 17,350-17,400 के ऊपर ट्रेड करने लगे द न्यू बेस विल बी 17,200। एंड अगर निफ्टी को हम देखेंगे तो इट इज अबव ऑल इट्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिड टर्म एवरेज 10, 20, 50 EMA के ऊपर है, डेली एंड वीकली पिवट के ऊपर है। अगर हम मार्च और अप्रैल का प्रीमियम देखेंगे निफ्टी का, मार्च में अराउंड 40 पॉइंट्स का है, अप्रैल में अराउंड 90-100 पॉइंट्स का है। ये दर्शाता है कि मतलब मार्केट काफी सारे नेगेटिव्स को फैक्टर इन कर चुका है और अदर करने की प्रोसेस में है, बीट ऑयल, बीट वॉर, बीट बॉन्ड यील्ड एंड ऑल दिस थिंग। इतना प्रीमियम इज काइंड ऑफ नो लिटिल डिसकम्फर्टिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज गिविंग होप कि वी आर लुकिंग एट हायर साइड इन द इंडेक्स राइट नाउ। निफ्टी इज स्टिल बेटर देन बैंक निफ्टी, RSI 57 वर्सेस 50, PCR has gone up by 16%, which is again kind of a bullish signal for me. So, Nifty में देखेंगे तो जिस हिसाब से call writing हुआ है for the 7th April का, put writing हुआ है 7th April में, that is in the money put writing 17,500-17,600 में काफी अच्छा put writing हुआ है। ये काफी मुझे दर्शाता है कि put writers are already placing themselves at this level, 500-600-700 के level पे। अगर हमें कोई untoward news नहीं आएगा overnight and let's say कोई other development नहीं रहेगा, I think Nifty is preparing for 500-700 के बीच में trading करने के लिए। So that is what I'm looking at the Nifty. Bank Nifty is definitely tad weak than Nifty, but at the same time अगर हम 100-200 EMA को हम regain करते हैं, and if at all we are regaining 50 EMA, that is 36-350 के range में है, then we will see decent short covering. कल लास्ट 1 आवर में जिस हिसाब से HDFC, ICICI, कोटक में थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला, मुझे लगता है कि शायद ये शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है। बट हैविंग सेड दैट, ये अगर इफ एट ऑल दिस 150 पॉइंट का गैप अप हमें मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाहिए, रादर वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना चाहिए। सो दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट द इंडेक्स राइट नाउ। फॉर टुडे आई विल बी क्वाइट बुलिश ऑन HDFC, नॉट ओनली फॉर टुडे, मे बी फॉर द नेक्स्ट 3-4 डे सेशन काइंड ऑफ थिंग। सो लॉन्ग HDFC विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 2320 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 2380। अगर ये 2400 के ऊपर क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि ये 2450-2480 के जोन हमें दिखा सकते हैं पोजिशनली। इसका 2400 का अप्रैल का कॉल हम ले सकते हैं विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 52 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 75। 2500 CE में कल काफी अच्छा से कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिला है। एंड अगर हम अप्रैल सीरीज का देखें, अप्रैल सीरीज में 2400 एंड 2500 में इन द मनी पुट राइटिंग हो रहे हैं। सो दैट इज गिविंग मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस द फैक्ट कि पुट राइटर्स आर प्लेसिंग देमसेल्फ इन अ हायर स्ट्राइक प्राइस। एंड ये कल अपना 10-20 EMA को रिगेन किया था, एंड इन द प्रोसेस ऑफ नो रिगेनिंग इज 50 EMA। सो आई थिंक ये शॉर्ट कवरिंग कल जो हमें देखने को मिला ये और भी रहेगा। RSI 849 है, मुझे लगता है कि इन ए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट माइट गो अबव 55 एंड दैट विल गिव अस द स्क्रिप्ट एट 2400। सो HDFC लॉन्ग फॉर टुडे एंड आल्सो पोजिशनली। HDFC लिमिटेड को